सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए सीए कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस, एक एक्सक्लूसिव चैनल जो डेडिकेटेड है सीए वर्ल्ड को, सीए फ्रेटर्निटी को, सीए स्टूडेंट्स को। इस चैनल पे मैं देता हूं आपको बहुत सारी वीडियोस, जैसे कि आपने सीए एग्जाम्स कैसे पास कर रहे हैं प्लानिंग करके देता हूं आप लोगों को, रिवीजन वीडियोस देता हूं, अपडेट वीडियोस देता हूं, आईसीए की नोटिफिकेशंस बताता हूं। तो अगर आप लोगों ने सर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दबाइए सब्सक्राइब का बटन और सब वीडियो को लाइक करने के बाद देखना शुरू करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारा सा टाइम हम लोगों ने बिताया अपने क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, और भी सर दो तीन छुट्टियां थी बीच में, तो वो सब निकल चुकी हैं। अब समय आ गया है सर पढ़ने का और मैं आपको देने जा रहा हूँ एक प्लान जिसमें सर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने अपने मई 2018 के लिए प्लानिंग करनी है। राइट गाइज, तो गाइज प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा 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 देखिएगा, तभी सर आपको इसका फायदा पहुंचेगा। चाहे स्पीड बढ़ा के देख लीजिए लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। आपकी जनरेशन ऐसी हो गई है कि हर चीज चाहिए, जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, तो उस चक्कर में कभी कभी गलतियां हो जाती है। तो जरा मेरी बात को सुनते चलिए। सबसे पहले गाइज मैं बात करता हूं आप लोगों से ग्रुप वन की, और इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं उन्हीं स्टूडेंट से बात करूंगा जिनका एग्जाम है ग्रुप वन का मई 2018 में। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बाद में लॉन्च करने वाला हूं तो वो जरा वेट करें। लेकिन अगर आपका सिर्फ ग्रुप वन का एग्जाम है, चाहे ओल्ड कोर्स चाहे न्यू कोर्स, वो सारी की सारी चीजें सर मैं यहीं पे आपको कवर करके दूंगा। राइट, आइए तो अब बातचीत करना शुरू करते हैं कि सर ग्रुप वन में हमारे पास चार सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग एफएम या फिर सिर्फ कॉस्टिंग न्यू कोर्स में, और उसके बाद आता है टैक्स। ठीक है, मान के चलो सर आप लोगों के पास, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके कम से कम दो सब्जेक्ट की जो कोचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। कम से कम किसी की तीन की हो गई तो बहुत ही बढ़िया है सर, किसी की एक की हुई है तो बहुत घटिया है भाई। अभी तक आप लोगों ने क्या किया है फिर? तो मैं मान के चलता हूं आपका अकाउंट्स कंप्लीट है, कॉस्ट कंप्लीट है और टैक्स कंप्लीट है। एटलीस्ट ये तीन सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं। ठीक है, क्योंकि जो देखिए जो कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए दो भी चलेंगे, लेकिन जो कॉलेज नहीं जा रहे भाई तुम्हारे कम से कम तीन कंप्लीट होने चाहिए। तो इसी की कॉन्टिन्यूशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है और आपने कैसे अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। राइट गाइज, अच्छा देखिए साहब, सबसे पहले आपके हाथ में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका अकाउंट्स। ठीक है, उसका फैशनेबल नाम कुछ भी रखा हो भाई, हम तो देसी बंदे हैं, मुझे लगता है कि सर अकाउंट्स आपका सबसे पहले कवर होना चाहिए। एंड सीए बहुत आसान है, बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कवर करना है। अकाउंट्स में आपने किसी भी टीचर से कोचिंग ली हो, एक्स वाई जेड, ना ली हो तो भी इस बात को सुनिएगा, अगर आप अकाउंट्स एक बार पढ़ चुके हैं तो सर आप इसका टारगेट बनाएंगे कि मैं अकाउंट्स की रिविजन जो है वो 10 days में मैक्सिमम, प्रोविजन अगर लगा लूं तो 2 to 4 days में, 2 to 4 days और प्लस कर देता हूं इसमें, यानी मैक्सिमम 12 to 14 days के अंदर मैं पूरा अकाउंट्स कंप्लीट करूंगा, पूरा का पूरा अकाउंट्स। याद रखिएगा इसको, पूरा का पूरा अकाउंट्स सर आपने 12 to 14 days के अंदर कंप्लीट करना है बहुत अच्छे तरीके से, तभी सर कुछ कार्यक्रम जो है हो पाएगा। अब कैसे करना है कंप्लीट, मैं उसकी भी डिटेल आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। मान लेते सर आपके, मान लेते मुझे नहीं पता सर क्या डिटेल्स हैं, मान लेते आपके पास 10 chapters हैं अकाउंट्स के, लेट अस अज्यूम, ठीक है, और एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज 40 questions हैं, तो सर हमारे पास सीधा सीधा हिसाब किताब है कि भाई हमें 400 questions जो है वो सॉल्व करने हैं। अब 400 क्वेश्चन को 12 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास पर डे का टारगेट निकल आया कि ओके मुझे इतना काम जो है पर डे कम से कम करना ही करना है। ठीक है, अब पढ़ाई कैसे करेंगे, कोशिश करिए कि सर आपके दिन में अगर 24 घंटे हैं तो आप कम से कम 10 घंटे का आउटपुट, 10 आवर्स का आउटपुट या उससे भी ज्यादा निकाल पाए, मैक्सिमम 12 to 13 से ज्यादा नहीं, 10 घंटे का आउटपुट आप कम से कम निकाले ही निकाले, खासकर वो बच्चे जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी ये मान के चलिए वीडियो उन्हीं को एड्रेस कर रहा हूं मैं जो भी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो आप कम से कम अभी 10 घंटे का आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे मिनिमम। ओके, और इवन अगर आपकी कोचिंग भी चल रही है तो भी 10 घंटे का आउटपुट निकल सकता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा कैसे वो 10 घंटे का आउटपुट निकल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपने नए चैनल का लिंक दे रखा है डू मोर, वहां पर सर मैं आप लोगों को इंस्पायर करता रहता हूं, मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूं और स्टडी टिप्स डालता हूं, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रेगुलर मोटिवेशन चाहिए, स्टडी टिप्स चाहिए तो। ठीक है, तो आपने 10 घंटे का आउटपुट मिनिमम निकालना है। अब मैं देखता हूं कि सर अगर मैं 12 दिन 10 घंटे पढ़ लूं ढंग से तो मेरे पास 120 घंटे का जो कार्यक्रम है वो बनता है। आप जरा फील कर लीजिएगा कि आपके सर ने आपको अकाउंट्स कितने टाइम में कंप्लीट कराया। फॉर एग्जांपल अगर 60 क्लासेस थी, 3 hours ईच थी, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक था, तो 2.5 घंटे की एक हो गई लगभग, तो आपको अप्रोक्सीमेटली सर आपका भी सिलेबस जो इस टाइम में जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, ये सर क्योंकि आपकी फर्स्ट रिवीजन चल रही है, आपका एक एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व होना चाहिए, अच्छे से आपको लिखना चाहिए, तभी सर मजा आएगा, अदरवाइज फील नहीं आएगी। ठीक है,
इस समय पे आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर जो है वो डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आपके टीचर्स ने आपको जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको आप ढंग से अच्छे तरीके से लिखिए एक जगह पे, अलग से जगह पे फॉर्मुलेज हो गए, कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हो गए, कुछ क्वेश्चन जो आपने प्रॉब्लम फेस करी वो सारी चीजें एक जगह ढंग से इकट्ठी कर लीजिए। आप बोलेंगे तो मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट रजिस्टर पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आप लोग सर ये पूरे 10 से 14 दिन 15 दिन जितने लगते हैं इनिशियली पूरा अकाउंट्स कंप्लीट कर दीजिए। अति दुखी आत्मा क्वेश्चन नंबर एक, क्या सर मैं सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ता रहूं या मैं और कोई सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ूं? मेरा अभी के लिए जवाब है भाई सिर्फ अकाउंट्स पढ़ते रहिए। अकाउंट्स के साथ एक सब्जेक्ट उठा लीजिए लॉ, या जिसकी भी आपकी भी कोचिंग चल रही है वो उठा लीजिए जिसे आप साथ साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं आपका 7-8 घंटे जो है वो जाना चाहिए अकाउंट्स को, बाकी जो बचे कुछ आवर्स हैं बचा कुछ समय है वो जाना चाहिए दूसरे सब्जेक्ट को, राइट ओके। इसके बाद अकाउंट से जैसे आपका कंप्लीट हो, सेकंड सब्जेक्ट में आपके लिए टारगेट करना चाहूंगा वो है कॉस्टिंग या फिर कॉस्टिंग एफएम, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ओल्ड कोर्स में हैं या फिर आप न्यू कोर्स में हैं। तो ओल्ड कोर्स में जहां तक मुझे पता है सर 50-50 नंबर के कॉस्टिंग एफएम आता है, न्यू कोर्स में सर 100 नंबर का मेरे ख्याल से सिर्फ कॉस्टिंग है ग्रुप वन के अंदर। तो आप अगर ओल्ड कोर्स में है तो सर कॉस्टिंग एफएम नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट उठाइए। 10 से 15 दिन बिल्कुल फ्लैट बता रहा हूँ, 10 से 15 दिन 7 से 8, 8 से 9 घंटे के आसपास आप कॉस्टिंग पढ़िए, बाकी सर आप थोड़े टाइम के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है, राइट। आप ये देखिए कि अगर मैं आज बात करूं कि सर हम 4 जनवरी को सारी चर्चा कर रहे हैं, अगर आपने मेरे प्लान को बताए हुए तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो लगभग 4 फरवरी को जब हम आपसे बात करेंगे तो आपका अकाउंट्स एक बार पूरा हाथ से सॉल्व होके विद कॉन्सेप्ट रजिस्टर विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो चुका है और कॉस्ट एफएम भी या सिर्फ कॉस्टिंग भी खत्म हो चुका है। एक महीने में आपने सर दोनों चीजें जो है बड़े अच्छे से कवर कर ली है, राइट। यहाँ पे सर एक खास बात आप लोगों के लिए, अगर आपने कॉस्टिंग अभी तक कवर नहीं करी और कॉस्टिंग आपको परेशान करती है किसी तरीके से तो हमारा स्पेशल कोर्स जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, भावना मैम पढ़ा रही हैं, ओनली 2000 रुपीज के आसपास फीस रखी थी हमने, शायद उसकी फीस बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगी, जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वेबसाइट पे neerajarorakclasses.com पे, राइट। इवन न्यू कोर्स के लिए भी हम लोगों ने सर कॉस्टिंग का कोर्स जो लॉन्च कर रखा है उसकी फीस सिर्फ 3000 रुपीज है। एनीवेज तो सर आपने अकाउंट्स और कॉस्ट एफएम जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, 4 तारीख तक आपके अकाउंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एम कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैं चाहूंगा आपसे आप पिक करें वो है सर टैक्सेशन, ये तो मेरा सब्जेक्ट है भाई। टैक्स में आप लोग शुरुआत करें जीएसटी से, जीएसटी को सर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मानिएगा मेरी बात को 5 to 6 days में पूरा जीएसटी आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने एक बार पहले पूरा पढ़ा हुआ है तो। जीएसटी पढ़ते समय इंस्टीट्यूट आपको किसी भी टीचर ने पढ़ाया हो इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर ऑनलाइन वाले, तो मैं सबको ये बात बोल रहा हूँ जीएसटी पढ़ते समय आप सिर्फ एक काम करें, आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जरूर साथ में रखें, उसके पीछे जो एमसीक्यूज हैं क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को तो अपडेट दूंगा ही, फरवरी में मैंने प्लान किया है सारे अपडेट्स देने का, आरटीपी भी आ जाएगी तब तक इंस्टीट्यूट की, तो सारी चीजें मैं फरवरी में वीडियोस बना बना के अपने पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग हमारे जीएसटी के कोर्स पर अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लीजिएगा, मैं प्रमोशन नहीं करना चाहूंगा कुछ भी, बट हाँ स्टूडेंट को बहुत पसंद आ रहा है आपको भी शायद बहुत पसंद आएगा, neerajarorakclasses.com पे, ठीक है। पेन ड्राइव और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो जीएसटी सर 5 से 6 दिन में निपटाएंगे, इसका मतलब अगर आपने ऐसा कर दिया तो ओल्ड कोर्स वालों के 50 मार्क्स और न्यू कोर्स वालों के 40 मार्क्स जो हैं आप ये देखिए कि आपने 5 से 6 दिन में कवर कर लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि सर जीएसटी में ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी बेस आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूएशन वाला एक चैप्टर है या फिर रिटर्न की डेट को लेके या फिर रिटर्न की डेट के बाद आपने फाइलिंग करी तो उसकी पेनल्टी इंटरेस्ट को लेके इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप वो सारे क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के बुक में आपको मिलेंगे उसी तरह के क्वेश्चंस करिए, दैट्स इट, इससे जरूरत नहीं है। देन सर आप नेक्स्ट 7 to 8 days लगाइए डीटी पे, डायरेक्ट टैक्स पे, यानी कि वही अगर मैं हिसाब किताब देखूं तो 8 और 6 14, यानी कि मैं 15 दिन आपको दे रहा हूं सर आपका टैक्स कवर करने के लिए। 4 फरवरी से अगर मैं देखता हूं तो लगभग 19-20 फरवरी तक आप लोगों को, 5 फरवरी से अगर मैं देखता हूं तो आपको 19-20 फरवरी तक अपना टैक्सेशन भी खत्म करके रख देना है। एक बात आप इसमें याद रखिएगा कि जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हैं ना सर, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे आप सॉरी अकाउंट्स नहीं अकाउंट्स के बाद नहीं अकाउंट्स के पढ़ रहे हैं, कॉस्ट पढ़ रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं, इनके साथ साथ अपना लॉ जो है आप डेली का एक रिदम बना लो कि मैंने लॉ जो है भाई डेली 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ये स्ट्रैटेजी इतनी कारगर है, इतनी ज्यादा कारगर है, चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं लॉ की नहीं ले रहे हैं, लेकिन डेली सर अगर आपने एक बार रिदम बना लिया कि मैंने डेली 2 घंटे लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये बात गाइज आपने ध्यान रखनी है कि डेली लॉ पढ़ेंगे कम से कम कितने घंटे, 2 घंटे, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स जो भी हो,
ओल्ड कोर्स में है तो सर एथिक्स कम्युनिकेशन में कमांड बनाइए, वो सर आपको कराएगा पास, वो आपको दिलाएगा अच्छा नंबर और आप बनकर निकलेंगे सर रॉकस्टार। ठीक है जी, तो ये है सर हमारी प्लानिंग। इस तरह से अगर आप देखें तो आप अगर लॉ भी आप शुरू से पढ़ना शुरू कर दें, यानी आज से पढ़ना शुरू कर दें, तो जब तक आपका टैक्स कंप्लीट होगा ना, मार्क माय वर्ड्स, आपका 60-80% तक लॉ भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। और फिर जो आपके पास फरवरी में लास्ट के 10 डेज बच जाएंगे, आप उसके अंदर सर अपना पूरा का पूरा जो है लॉ कंप्लीट कर दीजिए। आपके पास अभी बचे हैं 60 दिन, यानी कि पूरा मार्च बचा है, पूरा अप्रैल बचा है, और सर आपके पेपर है मई 2018 में। इन दोनों महीने के अंदर कैसे रिवीजन करनी है मैं जरूर 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 आपको बताऊंगा। और भी याद रखिएगा, इन दोनों महीने में कम से कम 5 बार और रिवाइज कर सकते हैं हम लोग ग्रुप 1 को। यस, कम से कम 5 बार, राइट गाइज? तो इसको बिल्कुल भूलने का नहीं है, ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। अपना टारगेट बनाइए कि मैंने फरवरी एंड तक जो है अपने चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कर देने हैं, एक एक बार रिवाइज करके अच्छे से। ये होगी सुपर सॉलिड रिवीजन, एक एक क्वेश्चन हाथ से एक एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करेंगे, एक एक चीज को लिखेंगे, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाएंगे, अपने सारे डाउट्स, अपने सारे उन डाउट्स के जो आंसर्स मिले वो सब लिखेंगे, राइट? और इसके बाद मार्च में देखिए दन दना दन गोल, और अप्रैल में तो भाई साहब ऐसी चल रही होगी हमारी रिवीजन कि हम क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर बता पाएंगे, उसके बैलेंस शीट के फिगर बता पाएंगे, तो मजा आएगा, राइट गाइज? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। भाई जल्दी जो वीडियो को एक जल्दी से थम्स अप और सबके साथ शेयर करें। अगर वाकई में सर आप चाहते हैं कि सर ये चैनल बढ़े, आप लोग बढ़े, सबको अच्छे मार्क्स मिले, तो प्लीज इसे सीए से रिलेटेड हर व्हाट्सएप ग्रुप में जाके शेयर कर दो। भाई एक शेयर बनता है, बिल्कुल बनता है, राइट गाइज? चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय।